त्रिपुर भैरवी, जब संसार का नाश होने का जब संहार की घड़ी आती है, संहार से मेरा यहाँ पे अर्थ ये है कि नवनिर्माण, क्योंकि संहार के बाद ही नवनिर्माण संभव हो पाता है। तो जो देवी नवनिर्माण के लिए जिनका उत्तरदायित्व है, जिस देवी की शक्ति के कारण ब्रह्मांड जो है वो परिवर्तन के फेज में एंटर करता है, प्रवेश करता है, वो है त्रिपुर भैरवी, जिनके माध्यम से इस ब्रह्मांड का जो है नाश होता है और पुनः एक नया ब्रह्मांड जो है वो अस्तित्व में आता है। तो त्रिपुर भैरवी यानी जो तीन पुर की भैरवी है, तीन पुर यानी स्वर्ग, भूलोक, नर्क। जैसा कि हमने बात की थी कि सात प्रकार के नर्क होते हैं, अतल, वीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये एक लोक हुआ पूरा। उसके बाद भूलोक, भूलोक के ऊपर स्वर्ग होते हैं बहुत सारे, भूलोक, भूवरलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक, वैकुंठ, ये सारे जो हैं अलग अलग नाम दिए गए हैं स्वर्ग को। तो इन तीनों पुर की जो देवी है, जो इन तीनों पुर का संचालन करती है, त्रिभुवन का संचालन करती है, उनके नवनिर्माण के लिए जिम्मेदार है, वो है त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी के पश्चात देवी मातंगी। मातंगी के स्वरूप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उनके हाथों में वीणा है, और सरल भाषा में कहूँ तो हम जो देवी महासरस्वती को देखते हैं उनका तांत्रिक फॉर्म मातंगी है। मातंगी की पूजा अर्चना करने से जो प्रखर प्रज्ञा प्राप्त हो सकती है, और ज़्यादातर कला के क्षेत्र में जो भी मनुष्य हैं, जो कला के क्षेत्र से अपना गुजरान चलाना चाहते हैं, रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, उनके लिए मातंगी बहुत ही उनकी उपासना फ़ायदेमंद होती है। मातंगी का स्वरूप उनके हाथों में वीणा है, और अगर आप देखेंगे तो पूरा ग्रीन जो रंग है उनसे माँ लिप्त हैं, चंद्र उन्होंने धारण किया हुआ है, और वीणा इसीलिए रखी गई है क्योंकि माँ बहुत मधुर भाषी हैं, कला के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मैंने कहा, सरस्वती का तांत्रिक फॉर्म है, तो जो सरस्वती आप वैदिक विधि विधान में जिनकी उपासना करते हैं, जिनका आवाहन देते हैं हम, उनके हाथों में भी वीणा है। सरस्वती का स्वरूप सफ़ेद है, यहाँ पे माँ का तांत्रिक स्वरूप है, उस कारण से आपको ये स्वरूप जो है वो जल्द फलीभूत हो सकता है।